नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है आपका। इससे पहले लेक्चर 4 तक हमने करा दिए थे आपको। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चल रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इसकी 4 वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं, वो जा करके आप देख लीजिए। उसको देखने के लिए आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ पर हमारे चैनल का नाम सर्च करिए बेसिक टू टॉप स्टडी, और फिर प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी आपको DLED प्रथम सेमेस्टर मैथ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से जाकर के आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के 7 वीडियो प्रोवाइड कराए, फिर हमने अति लघु उत्तरी वाले 7 वीडियो प्रोवाइड कराए। अब ये जो लघु उत्तरी क्वेश्चन चल रहे हैं, इनके 4 वीडियो पहले से अपलोड करे जा चुके हैं। तो ये आपकी इतनी वीडियोस अभी अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर के देख लेना, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके निकल चुके हैं, और ये आपका DLED प्रथम सेमेस्टर का जो मॉडल पेपर है वो अब बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा इसकी, यानी मॉडल पेपर आपको 2-3 करा दूँगा, और आप एग्ज़ाम में जा करके अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो आपको बताया 25 नंबर का पेपर होगा, उसमें से आप कितने नंबर लाते हैं वो यहाँ पर आपको कम से कम 22 प्लस तो आपको करना ही है। आप अगर सब वीडियो हमारे देखें तो 22 प्लस आप क्वेश्चन करके आएंगे। और आपको क्या करना है, आपको जैसे कि पता है कि आपका 9, 10 और 11 मई को पेपर होने वाले हैं, 2022 के, तो आपका प्रथम सेमेस्टर के, तो आप अपनी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ये सब्जेक्ट भी ख़त्म कर दीजिए, और अपने सभी सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करिए, सभी को इक्वल टाइम दीजिए। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये 16वां, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, तो इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, तो नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए माइनस का 5, कोष्टक के अंदर लिखिए माइनस का 5, फिर लिखिए माइनस और कोष्टक के अंदर लिखिए 45 माइनस के 45, उसके बाद आप लिखिए भागित के बाद लिखिए माइनस का कोष्टक के अंदर 15, फिर आगे लिखिए इसमें प्लस, कोष्टक लगाइए, कोष्टक में माइनस का 3 लिखिए और गुणा में लिखिए 5। तो इसे आप किससे करेंगे, इसे आप बोर्ड मास से करिए, और बोर्ड मास के जरिए से जब आप करेंगे तो पहले सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, भाग सॉल्व करना होता है। तो हम भाग सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस का 5 है, माइनस का ये 45 है, 45, और यहाँ पर जब हम इसको उल्टाएंगे, मल्टीपल का साइन लगाएंगे तो ये उल्ट जाएगा, तो माइनस का ये 15 आ जाएगा, फिर ये प्लस करके आगे संख्या चलेगी इस तरीके से। अब देखिए इसमें माइनस से माइनस कट गया, 15 ती 45, 3 बार कट गया, प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 3 और इस 5 का अभी आप मल्टीपल कर सकते हैं, तो आप जैसे ही करेंगे तो ये कितने का आएगा, तो 15 आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। ये माइनस का 5 है, ये माइनस का कितना आ गया पूरा 3, और ये आ गया माइनस का 15। ये सभी माइनस के हैं, तो आपस में इनको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद कितना आंसर आएगा, तो ये हो गया 8, ये हो गया 15, और 8 और 15 हो गया 30, तो माइनस का 23 आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, और इस क्वेश्चन में देखिए कहा हुआ है सरल कीजिए, BTC 2015 में आपके ये क्वेश्चंस आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कहा हुआ है कि कोष्टक के अंदर दिया है माइनस का 1/8 भागित 3/4। अब देखिए जो भागित में संख्या होती है उसे उलट देंगे, तो माइनस का 1/8 इसे उलट देंगे, 4/3 हो जाएगा, और मल्टीपल का साइन लगा देंगे, 4 × 2 = 8, तो कितना आ गया माइनस का 1/6, द्वितीय अच्छा हो जाएगा ना, तो माइनस का 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे भी सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 7/12 और भागित का साइन लगा हुआ है माइनस का 2/3। अब इसे लिखेंगे हम तो माइनस का 7/12 और इसको साइन को लट दें, इसे मल्टीपल में साइन में चेंज कर देंगे, तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। और यहाँ से देख लीजिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस 3 से काट देंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 7, प्लस का हो जाएगा ये 7/8, 4 × 2 = 8, 7/8 आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, तो इसे मैं आपको इसका पहले फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। देखिए लिखा हुआ है 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो अब देखिए साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है साधारण ब्याज बराबर
लिख लीजिए इसको, साधारण ब्याज बराबर, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, मूलधन दर और समय, ये दर रेट हो गई, ये टाइम हो गया, बट्टे में 100, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। तो लिख लीजिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर और समय बट्टे में 100। अब इस फॉर्मूले को लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपको मूलधन दिया हुआ है उन्होंने 500 रुपये, 500 रुपये मूलधन दिया है, कहा है 500 रुपये पर 3 वर्ष के लिए लगाना है, तो 3 लगा दिया, उसके बाद 12% की दर से निकालना है, बट्टे में 100 लगा दीजिए, 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 का मल्टीपल करेंगे इसमें तो हो जाएगा 5 या 15, 15 का 12 में मल्टीपल करिए तो कितना आएगा, 15 का 12 मल्टीपल करेंगे 15 दूनी 30 और 15 एकन 15, 15 और 3 18 यानी 180 आपके हो जाएंगे, 180 रुपये ब्याज के आपको मिल जाएंगे 3 साल बाद, 180 रुपये ब्याज के अगर आपने किसी को 500 रुपये उधार दिए हैं और आप उससे 12% ब्याज की रेट से साठ ब्याज ले रहे हैं तो आपको 180 रुपये वो अधिके देगा, यानी आपको टोटल रुपये मिस्तन पूछा जाए तो कितना देगा, साठ ब्याज भी देगा वो 500 रुपये का लौटाल के और आपको 180 रुपये ब्याज के देगा। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि एक साइकिल है वो 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो जाती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए, यानी मैंने एक साइकिल ली होगी और वो हमें अभी तो नहीं पता हमने कितने रुपए की ली, पर उसे मैंने जब 1800 रुपये में बेच दिया 10% की हमें हानि हो गई। अब हानि हो गई तो हमें अपना मूलधन निकालना है कि मूलधन हमने यानी मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने कितने रुपए में से ख़रीदा था। तो अब देखिए, तो यहाँ पर जो दिया है वो लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब जिस पे हमने बेच दी, SP सेलिंग प्राइस, यानी इसे विक्रय मूल्य बोलेंगे हिंदी में। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1800 रुपया, 1800 रुपये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 10% की हानि दी है, हानि कितनी दी है, हानि परसेंटेज दिया है 10%, 10% की हानि दी है। उसके बाद पूछा है साइकिल का क्रय मूल्य बताएं, तो यानी CP बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या बराबर, CP बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे इन्होंने कहा हुआ है। तो अब देखिए CP क्वेश्चन मार्क की जगह हम इसे X मान लेते हैं, तो देखिए X पर हमें कितने परसेंट की हानि हो गई, 10% की हानि हो गई, यानी हम 100% में लाए थे, अब 100% में 10% की हानि हुई तो कितना बचेगा हमारा, 90 बचेगा, तो 90/100 लिखेंगे ना, 90/100 और बराबर में ही हमारा 1800 रुपये में हमने बेच दिया है। तो इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया और इस 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 यानी 200 और ये इधर से कर देगा तो 2000 रुपया, यानी हम कोई चीज़ जो लेकर आए हैं वो 2000 रुपये की लेकर आए हैं और हमने उस पर 10% की हानि ले ली है तो हमारे 1800 रुपये में बेच दिया हमने। इसे देखिए इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, अगर आपको तो देखिए और इसे किस तरीके से कर सकते हैं, इसे आपको क्या करना है, इसमें देखिए इसमें आप सीधा लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जैसे 10% की हानि ली हमने तो 90% बराबर यही तो 90% हमें मिला है रेट यानी बेचा है उसमें 1800 रुपये के बराबर है, तो 100% कितना होगा, 100% हमेशा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है तो 1800 और 1800 और 100, यहाँ पर 100% का वैल्यू और 90 नीचे, ये 90 नीचे लिख दीजिए आप, अब इस 90 से इसे काट देंगे, 0 कट गया, यहाँ से 9 से काट देंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 200 बार ये गुणा कर देगा तो ये 2000 रुपये आ जाएगा। ये आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं और वैसे भी आसान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा हुआ है, देखिए लिखा है साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य 2000 रुपया है, अब ये इधर उधर हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे लग गया, थोड़ा सा देखिए साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 2000 रुपये है, साइकिल का क्रय मूल्य उधर से पीछे से आ गया है, ठीक है, इसे काट लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 20, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे टोटल बैठे हुए थे तो बताइए कितने अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए यहाँ पर 75% बच्चे कैसे हुए, उत्तीर्ण हुए हैं, तो जो 1500 बच्चे थे 1500 उसमें से तो 7500 उत्तीर्ण हुए होंगे, 7500 उत्तीर्ण होंगे तो हम उत्तीर्ण निकाल सकते हैं, वो पूछ तो अनुत्तीर्ण रहा है, अनुत्तीर्ण भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, पहले हम उत्तीर्ण निकाल देते हैं, कितने हो गए देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 का इसमें मल्टीपल करो, 15 अपना 75, 15 7 105,
105 और 7 कितना हो जाएगा, 105 और 7 हो जाएगा 112, 112 यानी 1125 बच्चे जो हैं वो कैसे हुए हैं, 1125 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और टोटल 1500 थे, तो आप इसमें से घटा के निकाल सकते हो तो कितने बचाएंगे 1500, और 1500 में से हमने 1125 हमने निकाल दिए, इसमें से निकाल दीजिए 5 बच गए, यहाँ से एक चला गया था कैरी, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गया 7 बच गया, और यहाँ बच गया कितना 4, 4 में से बन गया तो 3, 375 बच जाएंगे। या फिर आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते थे कैसे कि 1500 टोटल हैं उसमें से 75% जब उत्तीर्ण हुए तो कितने परसेंट फेल हो गए, 25% फेल हो गए, 25% फेल हो गए, अब इसे कर लीजिए 0 0 कट गया, अब 15 का मल्टीपल कर लीजिए इसमें, तो 15 करेंगे 15 × 75 और 15 × 30 30 और 7 37, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें एक ग्राफ है और ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन करवाया गया है आपसे। देखिए कहा है कि एक कक्षा में वार्षिक परीक्षा में 60 बच्चों के परिणाम पाई ग्राम द्वारा निरूपित करे गए हैं, तो यहाँ टोटल कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। अब देखिए क्वेश्चन 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे में से देखो द्वितीय श्रेणी में यहाँ पर बताया गया है 180 अंश का बन रहा है, तृतीय श्रेणी में 90 अंश का, यहाँ पे 30 अंश का अनुत्तीर्ण हुए बच्चे श्रेणी हैं, और प्रथम श्रेणी में 60% 60 यानी अंश के आपके बच्चे जो हैं उसमें बटे हुए हैं। तो अब देखिए टोटल कितने का होता है सर्कल, आपको मालूम 360 अंश का होता है, तो उसी बेस पे हमें निकालना है इस चीज़ को। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या कहा है, सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो आपको भी यहाँ से लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो यानी जो डिग्री है वो किसकी है, यानी जो अंश है वो किसका है, 180 अंश है तो यही सबसे ज़्यादा होगा, द्वितीय श्रेणी में सबसे ज़्यादा हुए होंगे, पर आपके बच्चे निकालने के लिए कह दे तो क्या करोगे आप, यानी 180 अंश कितने में से, पूरे 360 अंश में से, मतलब यहाँ पर उत्तीर्ण हो रहे हैं जो द्वितीय श्रेणी में हैं, और टोटल बच्चे कितने थे, 60 थे ऊपर दिया आपको, तो 60 यहाँ पर मल्टीपल में लिख दीजिए, इसे जब काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 30 बार, यानी 30 बच्चे ऐसे हैं, 30 बच्चे ऐसे हैं जो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, किसमें, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों का अनुपात बताइए, तो प्रथम श्रेणी में कितने उत्तीर्ण हुए, द्वितीय में कितने हुए, द्वितीय में तो हमने निकाल लिया कितने हुए, 30 हुए, तो देखो बरा प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, तो द्वितीय श्रेणी में तो 30 हुए अभी हमने निकाले, और यहाँ पर प्रथम श्रेणी में कितने हुए हैं, तो प्रथम श्रेणी देखिए 60 हुए हैं, 60 अंश का कोण बना रहे हैं, तो ये कितने 360 पे बना रहे होंगे, और गुणा में 60, तो इसे काट देंगे तो ये कितने बार कर जाएगा, 6 बार, 6 से काटेंगे तो ये 10 बार, तो 10 अंश का 10 बच्चे इधर हैं जो द्वितीय प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसे 0 0 काट लीजिए, तो 1:3 आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1:3 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा हुआ है देखिए, यहाँ पर ग्राफ द्वारा समझाया गया है इसे, इसलिए मैंने इसे पूरा का पूरा या आपको समझाने के मकसद से ही इसे पूरा मैंने इसका फ़ोटो खींच के इसमें लगा दिया है। देखिए इसमें देखिए क्या कहा हुआ है, कहा है रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई साड़ी में पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। तो अब जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक ही है, आपका क्वेश्चन यहाँ तक ही है, पिक्टोग्राफ मतलब चित्र के माध्यम से आप बताइए उनको, ज़रूरी नहीं है कि आपको फूल ही बनाना था, आप और कोई चित्र बना सकते थे, सेब बना सकते थे, आप मैंगो बना सकते थे, आप कुछ ही बना सकते थे। तो इसमें कहा पिक्टोग्राफ 5 फूल इज इक्वल टू 1 फूल बताया है कि 5 फूलों को हमने 1 फूल मान लिया है, क्योंकि अब इतने हम फूल बनाएंगे तो इसमें बहुत सारा बहुत बड़ा हम कॉपी भर जाएगी इसमें, मतलब बहुत पेज बड़ा कॉपी कवर कर देगा, इसलिए हमने 5 फूल बराबर 1 फूल मान लिया है। तो अब देखिए गुलाब के फूल कितने थे, गुलाब के फूल थे 30, अब 30 थे, अब 30 फूलों को हम मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 30 यानी 6 फूल हमें बनाने हैं, क्योंकि एक फूल में 5 फूलों को डिनोट कर रहा है, एक फूल ये जो फूल है ना ये 5 फूलों को डिनोट कर रहा है जो कि हमने मान लिया है। अब देखिए इसी प्रकार से देखिए इसमें इन्होंने 6 बना दिए हैं कि 6 बनाने ही हैं। इसी प्रकार से गेंदा के फूल कितने होंगे, तो गेंदा में कितने थे 25 थे, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 डिवाइड करोगे 5 बार चला जाएगा, तो 5 फूल हमें बनाने हैं गेंदा के। इसी प्रकार से जूही के
दो बनेंगे, क्योंकि 5 2 10 5 से भाग दोगे ना तो ये 2 बार कट जाएगा, 5 2 10। इसी प्रकार से आप देखेंगे 45 में 5 से भाग दोगे, 5 में 45, तो 9 फूल बनाने पड़ेंगे। तो ये देखिए डहेलिया के इन्होंने 9 फूल बनाए हुए हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके कितने फूल बनाए हैं, 3 फूल बनाए हैं, क्योंकि इसमें 5 से डिवाइड दोगे, क्योंकि एक बराबर हमने 5 5 बराबर एक माना है, इसलिए 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार, तो हमें 3 फूल बनाने हैं इसके लिए, तो हमने यहाँ पे 3 फूल बना दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 भी है, इन्होंने फूलों की संख्या लगाए हैं, इनकी साड़ी दी गई है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। अब देखिए, अगर आपने एक फूल 5 फूल बराबर, मतलब 5 फूल बराबर चित्र के माध्यम से एक माना, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतने फूल कहाँ से बनाओगे आप। तो इसलिए इन्होंने 50 फूल बराबर एक फूल मान लिया है, जो चित्र के रूप में है, इस तरीके से ये चित्र के रूप में है, ये एक फूल मान लिया है। तो ठीक है, इन्होंने अच्छा करा है, और ऐसा ही आप भी करिए। तो देखिए 50 से अगर इसमें भाग देंगे तो आपको कितने फूल बनाने हैं, ये कट गया, 5 से काटेंगे तो 6 फूल बनाने हैं। तो यहीं यहाँ पे देखिए आपको 6 फूल बनाए हैं गुलाब के। इसी प्रकार गेंदा के कितने फूल बन जाएंगे, तो इसमें भी गेंदा में भी आप 50 से भाग दे दीजिए, यहाँ भी 50 से भाग दे दीजिए, कितने फूल बनाने हैं सब में 50 50 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाए कितने फूल बनाने हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने फूल बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गया है मॉडल का, वो मैं आपको करा दूंगा, 2 वीडियो समथिंग और बनेंगे, उसके बाद आपके मॉडल पेपर हमें कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, थैंक यू।